फ्रेंड्स, तो आज का मेरा टॉपिक है ऑन द जूल्स पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। ये देखिए डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, हम डायग्राम यहाँ पे देखेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे, फिगर शो अ जूल्स थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट सेटअप फॉर थ्रोटलिंग प्रोसेस। ओके, थ्रोटलिंग प्रोसेस मतलब क्या है बता था आपको, थ्रेडलिंग मतलब जहाँ पे एंथैल्पी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ओके देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल एक पोरस प्लग है, ये जो है आपका क्या है, पोरस प्लग है। ओके, जहाँ पे लाइक एस्बेस्टो शीट होता है, शीट जहाँ पे कि लाइक हनी, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता। ओके, जहाँ पे कि मधुमक्खी छत्ता होता है, जैसे कि छोटा छोटा होल होता है छोटा, और पोरस होता है, आर पार होता है, क्या होता है वो, आर पार। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग पोरस प्लग। ओके, पोरस प्लग बोलते हैं इसको। यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगा है इनलेट पे, यहाँ पे थर्मोमीटर लगा है एट द आउटलेट पे। यहाँ से मैंने फ्लूइड का एंट्री किया, प्रेशर पी वन, स्पीड सी वन, एंथैल्पी दैट इज एनर्जी एच वन, आउटलेट है पी टू, सी टू एच टू। ये क्या है, इंसुलेटेड पाइप, ये क्या है, इंसुलेटेड पाइप है। ओके, और यहाँ पे मैंने बनाया सिस्टम बना दिया इसका मैंने, ये बोला कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल सर्फेस बोला। देखिए इट कंसिस्ट ऑफ ए पोरस प्लग प्रोवाइडेड इन अ इंसुलेटेड पाइप फिटेड विद द थर्मोमीटर। क्या किया इसको, फिट किया विद द थर्मोमीटर, लेट अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ गैस, स्टेडी स्ट्रीम ऑफ गैस फ्लो थ्रू ए पोरस प्लग। When it flow through the plug, there is a appreciable pressure drop. क्या होगा, बहुत एक appreciable, ज़्यादा pressure drop होगा, and the flow is said to be throttle. क्या होगा, flow is said to be throttle. Therefore, applying steady flow energy equation at section 1.1 and 2.2, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये जो है mass का निकाल के, मतलब per kg mass के लिए, C1 का square by 2 at the inlet, velocity at inlet, potential kinetic energy at inlet, potential energy at inlet, एंथैल्पी एट द इनलेट, प्लस डी क्यू बाई डी एम, मतलब जो है हीट एंट्री, एंट्री ऑफ द हीट, डी क्यू बाई डी एम पर हीट पर यूनिट मास। सिमिलरली वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट, पोटेंशियल एनर्जी एट आउटलेट, एंथैल्पी एट आउटलेट, और क्या आएगा बाहर, वर्क, तो प्लस वर्क ऑफ द पर केजी मास। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं ट्रांसफर हो रहा है। ओके, वर्क ट्रांसफर होता नहीं है, करके डी डब्ल्यू बाय डी एम इक्वल टू जीरो, नॉन वर्क डन, नो वर्क डन, हीट ट्रांसफर इंसुलेटेड है पाइप करके, नो हीट ट्रांसफर, क्यू जीरो, डेल्टा के, डेल्टा ए नेग्लिजिबल होगा, और सेम हाइट पे होने के कारण क्या होगा, डेल्टा पी भी नेग्लिजिबल होगा। ओके, तो क्या होगा, यहाँ से सब करूंगा, पुट करूंगा यहाँ पे, तो ये एच वन इज इक्वल टू ये एच टू आएगा, तो क्या हो गया, देयरफॉर एच वन इक्वल टू एच टू, देयरफॉर एंथैल्पी एट द इनलेट इज इक्वल टू एंथैल्पी एट द आउटलेट। ओके, तो ये होगा, इसको बोलते हैं हम लोग एंथैल्पी कॉन्स्टेंट प्रोसेस, दैट इज द थ्रॉटलिंग प्रोसेस, यही होता है जूल्स पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। ओके, सो आई थिंक आपको समझ गया होगा, अगर कुछ डाउट होगा तो यू कैन कमेंट, सो आई विल एक्सप्लेन यू बेटर वे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।